ना ही मैं इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है, ना ही मैं इसमें लहसुन वो टमाटर है, ना ही प्याज है, ना ही दही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों और सबको मेरा सलाम। कैसे हो भाई, सब सर्दी एंजॉय कर रहे हैं? आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सी रेसिपी बना रही हूँ जो इससे पहले आपने नहीं खाई होगी, और एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आपके बच्चे बड़े सब बहुत ही शौक से खाएंगे। मेहमानों के लिए बनाएं, नाश्ते में बनाएं। अगर सालन को आपको दो डिशें बनानी है तो एक आप अच्छी भारी अगर चिकन का कढ़ाई चिकन बनाई या कोई ऐसा बनाया तो एक इसके साथ आप ऐसी मिक्स ये वेजिटेरियन चिकन का जो रेसिपी है, ये कश्मीरी चिकन है मेरा और मेरा खुद का ये रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। जिसने भी खाई है ना तो सब ने ही इसकी तारीफ़ की है, और बिल्कुल हल्का फुल्का भी है और इतना महंगा भी नहीं है। तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को आखिर तक देखा करें। लाइक करना, शेयर करना भूल जाते तो वो भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। ये मैंने इसमें आधा कप ऑयल का डाल दिया है और चिकन को मैंने इस तरह बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, चिकोर पीस करने हैं। बोनलेस भी ले सकते हैं, और बाज़ दफ़ा ये हड्डी वाला गोश्त होता है लेग पीस का, उसके भी आप कर साथ कर जो भी इसमें गोश्त आता है उसमें से आप ले सकते हैं। ये मैंने ले लिया है 400 ग्राम मेरा ये चिकन है, क्योंकि बोनलेस था और उसको बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इसको पीस कर लिए। अब इसमें ऑयल में डालेंगे इसको, साथ में इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल दूंगी। नमक ऐसे में आपने ख्याल करना है कि एकदम ज़्यादा नमक नहीं डालना फ्राई करते वक्त। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और इसमें एक हरी मिर्च भी पीसी हुई है। और ये मोस्टली जो मैं इसको नाश्ते में बनाती हूँ, जब मेरे गेस्ट आते हैं तो जैसे चने बने होते हैं साथ, फिर ये सालन भी हो जाता है, कोई और चीज़ होती है, लेकिन आप यकीन करें कि बहुत ही सबको ही पसंद आता है और मज़े का भी बहुत होता है ये। और ये साथ साथ मैं फ्राई कर रही हूँ इसको, और साथ साथ मैं आपको चीज़ें बता दूँ कि इसमें मैंने कौन कौन सी चीज़ें डालनी है। ये दरमियाने साइज़ के चार आलू हैं और इनको मैंने उबाल के और बिल्कुल ये क्यूब शक्ल में काट लिया, ये देखिए बिल्कुल जैसे क्यूब है ऐसे काटना, ऐसे काटना क्यूब शक्ल में। और तीन जो है ना दरमियाने साइज की शिमला मिर्च है, इसको भी आपने क्यूब शक्ल में काटा है, क्योंकि अगर हम लंबी काटेंगे तो हमारे बच्चे बड़े नहीं खाते, क्योंकि उसका खूबसूरती तो लगती है, कुछ चीज़ें ऐसे तो खूबसूरत लगती हैं देखने में लेकिन खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती। ये जो है ना अगर देखा जाए तो ये 700 ग्राम मटर है जिसमें से ये निकली है, उसमें से थोड़े से मैं बचा लूँगी, इसको मैंने बॉयल कर लिया है, ये मतलब आपने बॉयल ही कर लिया पहले। अच्छा, दो अंडे हैं उनको मैंने काट लिया है और इस तरह चकोर शक्ल में काट लिया। अंडे मैं दो ही डालूँगी, अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर अंडे का जायका ज़्यादा आएगा, जो इसका अपना जायका ना वो कम हो जाएगा। बस ये मैं ज़रा खूबसूरती के लिए डालती, थोड़ा सा टेस्ट भी इसका अच्छा लगता है। जो फ्राई होते होते गल चुका है, थोड़ा सा हम 3 से 4 चम्मच टेबल स्पून पानी के डाल के ना उसको 2 मिनट के लिए फिर भी उसको ढक देंगे तो जरा ये और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है। ये 2-3 मिनट हो चुके हैं और मेरा ये चिकन बिल्कुल ये देखो फ्राई हो चुका है जैसा मुझे चाहिए था और गल भी चुका है। इस वक्त मैं इसमें मसाला डालूंगी, 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च और 1/2 टीस्पून इसमें सफ़ेद दखनी मिर्च भी कहते हैं इसको, सफ़ेद मिर्च भी कहते हैं, ये दोनों ही डालनी है, ये स्किप होने वाली चीज़ नहीं है। और
और ये हम इसमें शिमला मिर्च, अभी हमें सारे मसाले हम शामिल करेंगे, शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। ये एक प्याली जो है ना मटर है, और ये जो क्यूब शक्ल आलू थे वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। क्योंकि सारी चीजें गली हुई हैं, सिर्फ हम उनको भूनना है, मिक्स करना है, भूनना है थोड़ा सा, कि जो सब्जियों का कच्चापन है वो मतलब जरा भून जाए। एक टेबल स्पून के करीब मैं सिक्का शामिल करूंगी, ये सिक्का मेरा सेब सिक्का है, बाकी आप वाइट भी डाल सकते हैं। और दो टेबल स्पून है ये सोया सॉस, दो ही टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, ना ही मैं इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है, ना ही मैं इसमें लहसुन वो टमाटर है, ना ही प्याज है, ना ही दही है। और इस वक्त में जो मैंने अंडे कटिंग किए थे वो भी मैं शामिल कर दूँगा। यहाँ ये मेरा कश्मीरी चिकन वेजिटेबल तैयार हो चुका है, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है रिस्पॉन्स दिया करें, और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई किया करें।